नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर बीएससी बीएड सेकंड ईयर का 11th पार्ट। अब देखिएगा कि अपने जो टॉपिक चल रहे थे, जो एंडोक्राइनोलॉजी में चल रहे हैं, एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर अपने एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ रहे थे। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उसमें अपने पहले शुरू की थी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथ मतलब कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है, तो इस ग्रंथि की यदि हम बात करें तो ये ग्रंथि अपने दो भागों में बंटी होती है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के कुछ हार्मोन्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें से अपने गोनेडोट्रोपिक हार्मोन चल रहे थे। तो गोनेडोट्रोपिक को मैंने समझा दिया था आपको कि गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन होते हैं उनका नियंत्रण गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा हाइपोथैलेमस करती है, और ये हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं FSH और LH। FSH और LH मैंने बताया था ये नर के अंदर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों में बनते हैं, मेल और फीमेल दोनों में इनका अलग अलग कार्य है। मैंने उस दिन आपको ये थोड़ा सा एक जनरल बताया था, आज अपने एक उसको डायग्रामेटिक उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये हार्मोन्स किस प्रकार अपना एक फंक्शन करते हैं, कैसे इनको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। तो उसको थोड़ा अपने देखने के लिए ये डायग्राम बना रहे हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस,
देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने जो आउटलाइन बनाई है उससे अपने गोनेडोट्रोपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर स्रावित करती है और साथ में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर स्रावित करती है। इन दोनों को ही ये रक्त में छोड़ देती है और हाइपोफाइसियल निवाइका तंत्र की सहायता से ये एडिनो हाइपोफाइसिस के पास आते हैं दोनों ही हार्मोन। आने के बाद में एडिनो हाइपोफाइसिस सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होते ही एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सबसे पहला हार्मोन बनता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन बनने के बाद में रक्त में छोड़ दिया जाता है। रक्त की सहायता से ये सेमिनिफेरस जो ट्यूबुल्स होती है वहाँ आता है। वहाँ आकर के जिनको हम हिंदी में शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं, शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। शुक्राणु निर्माण होता रहता है। अब जैसे ही शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो उसी समय क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो होती है उनके पास मिश्रित सर्टोली सेल्स या सेंस्टैक्युलर सेल्स या नर्स सेल्स या आलंबन कोशिकाएं जिनके नाम हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा एक इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन स्रावित होता है। ये इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक दर्शाते हुए हाइपोथैलेमस का संदमन कर देता है। संदमन करते ही फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर बनना बंद हो जाता है। ये बनना बंद हो जाएगा तो एडिनो हाइपोफाइसिस FSH को बनाना बंद कर दे, बंद करते ही सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो हैं वो शुक्राणु निर्माण की क्रिया को कुछ समय के लिए रोक देती है ताकि जो बने हुए शुक्राणु जो हैं वो आगे यूँ कह सकते हैं कि जो स्पर्म डक्ट होती है या जो शुक्रवाहिनी होती है वहाँ पर चले जाएं। और वहाँ पर जैसे चले जाएंगे तो वापस फिर इन इविन प्रोटीन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। बंद होते ही FSH आरब बनना शुरू हो जाएगा। ये बनते ही एडिनो हाइपोफाइसिस FSH को बनाना शुरू कर देगी और वापस से सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स स्पर्मेटोजेनेसिस को शुरू कर देती है। तो ये तो प्रोसेसिंग है FSH आरफ की और FSH की मेल के अंदर। अब हम बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं या जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, उसका क्या फंक्शन है, कैसे होता है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा सबसे पहले LHRF ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर स्रावित होता है जो एडिनो हाइपोफाइसिस के पास आता है। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या करती है, ल्यूटिनाइजिंग या ICSH हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन रक्त की सहायता से टेस्टिस की लीडिंग सेल्स या अंतराली कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं वहाँ तक आता है। वहाँ आकर के अंतराली कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है। अंतराली कोशिका जैसे ही सक्रिय होती है तो इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको पता ही है कि नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जननांगों के विकास और जो है शुक्राणु निर्माण जैसी क्रियाओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो ये इस प्रकार से ये सारी घटनाएं घटनी है। जैसे ही इन लक्षणों का डेवलपमेंट हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन जो है वहाँ से नेगेटिव फीडबैक जो है वापस हाइपोथैलेमस के पास जाता है। LHRF बनना बंद हो जाता है। एडिनो हाइपोफाइसिस के पास कोई सूचना नहीं आएगी तो LH या ICSH बनना बंद हो जाएगा। जैसे लीडिंग सेल जो है उसके पास कोई सूचना नहीं आएगी तो अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन बनना भी कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। वो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर का डेवलपमेंट हो चुका होता है। फिर जैसे दोबारा जरूरत होती है बॉडी को इन करैक्टर्स के डेवलपमेंट की तो वापस जो है यहाँ से फीडबैक जाना बंद हो जाता है तो ये बनना शुरू हो जाएगा। एडिनो हाइपोफाइसिस इसका स्राव करेगी। ये जैसे LH बनेगा तो लीडिंग सेल जो है अंतराली कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन को बनाना शुरू कर देती है। ये तो हमने बात की है मेल के अंदर LH और FSH या गोनेडोट्रोपिक का क्या काम है। अब हम बात करते हैं कि इसका फीमेल के अंदर क्या यूज है। फीमेल के अंदर यदि हम बात करें तो फीमेल की यदि हम बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है इसके द्वारा FSHRF और LHRF। अब देखिएगा यहाँ पर हम कहीं पर भी इनहिबिटरी फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस केवल और केवल एडिनो हाइपोफाइसिस को रिलीजिंग फैक्टर की सहायता से ही सक्रिय कर रही है केवल गोनेडोट्रोपिक के मामले में। तो FSHRF बनेगा, बनते एडिनो हाइपोफाइसिस सक्रिय हो जाएगी। जैसे एडिनो हाइपोफाइसिस सक्रिय होती है तो उसके द्वारा FSH हार्मोन बनता है। FSH हार्मोन क्या करता है, ये ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होता है प्रीमोडियल फॉलिकल उसके आगे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो जैसे ही ओवरी जो फॉलिकल्स हैं उनको वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं प्रीमोडियल से, प्राइमरी से वेजिकुलर और वेजिकुलर से अंत में ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है जो कि रक्त चक्र के लगभग 13वें दिन तक बन चुका होता है। और जैसे जैसे फॉलिकल्स बनते जाते हैं वैसे वैसे फॉलिकल्स के द्वारा
एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी स्रावित होता है, तो ग्रेफियन फोलिकल भी बनेगा और साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनता है। ये किसके प्रभाव में बनता है? एडेनो हाइपोफाइसिस के FSH के प्रभाव में बनता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो अपने बात कर ली किसकी, FSH इन फीमेल। अब बात करते हैं कि LH का क्या योगदान है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा LHRF हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन्स एडिनो हाइपोफाइसिस के पास आता है, आने के बाद में एडिनो हाइपोफाइसिस सक्रिय होकर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है कि इसकी सांद्रता 14वें दिन बढ़ जाती है। कौन से दिन? 14वें दिन बढ़ती है। तो 14वें दिन जैसे बढ़ेगी तो उस दौरान ओवरी के अंदर ग्राफियन फोलिकल बना हुआ होता है, और ओवरी के अंदर जैसे ग्राफियन फोलिकल 14 दिन बन जाता है, 14 दिन LH की सांद्रता बढ़ने से ग्राफियन फोलिकल फट जाता है। फटते ही क्या होता है, ग्राफियन फोलिकल से या तो अंडा कह दें या सेकेंडरी ओसाइट है मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के बाद में ओविडक्ट में चला जाता है, वहाँ उसका फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आगे की स्थितियों पर, जो हम आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स बन रहे हैं, दोनों के अंदर अलग अलग कार्य है, और दोनों का जो नियंत्रण है वो मेल हो चाहे फीमेल दोनों के अंदर हाइपोथैलेमस कर रही है, और किसके द्वारा कर रही है, केवल रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा कर रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का इनहिबिटरी फैक्टर नहीं बन रहा है, केवल रिलीजिंग फैक्टर बनता है जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस का नियंत्रण करता है। तो स्टूडेंट्स, ये अपने देखा है आज जो अभी टॉपिक अपने किया है, ये टॉपिक है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या है, उनका मेल फीमेल के अंदर क्या योगदान है। अब मैंने इसको पूरा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये हार्मोन हमें कई जगह देखने को मिलेगा या कई जगह इसका अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन अपने जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे रिप्रोडक्शन से संबंधित, उनके अंदर भी ये हार्मोन अपने को देखने हैं, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पर डिटेल में इनको बताया है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट हार्मोन की यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट जो हार्मोन होता है वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन या ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। पीयूष ग्रंथि का जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है ल्यूटोट्रोपिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस का यह है ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये नेक्स्ट हार्मोन है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम ल्यूटोट्रोपिक की यदि हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको भी हम आगे देखते जाएंगे, इस हार्मोन को भी, जैसे भी रिप्रोडक्शन की बात होगी तो इसको हम आगे भी देखेंगे। इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, इस हार्मोन को हम मेमो, एक नाम हो रहा है इसका मेमोट्रोपिक हार्मोन, ये तीनों नाम इसी के हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। यदि अब इस हार्मोन की बात करें तो सबसे पहले एडिनो हाइपोफाइसिस की जो एसिडोफिल सेल्स होती हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस की एसिडोफिल सेल के द्वारा स्रावित होता है या बनता है, संश्लेषित होता है, संश्लेषित होकर स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? ल्यूटोट्रोपिक या प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन्स। ये प्रोटीन्स हार्मोन होता है, उसका अणुभार लगभग 25,000 रुपये होता है। प्रोटीन हार्मोन है और अणुभार जो है लगभग 25,000 होता है, 25,000 होता है। उसके अलावा यदि हम नेक्स्ट इसके बात करें तो ये हार्मोन जो है कार्पस ल्यूटियम के बने रहने को प्रेरित करता है। ये हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को बने रहने के लिए प्रेरित करता है, इसका मतलब ये गर्भावस्था को बनाए रखने में भी अपना सहयोग करता है। अब कार्पस ल्यूटियम क्या है ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये जो कार्पस ल्यूटियम होती है ये एक अंडाशय में बनने वाली संरचना है। वैसे तो इसको अपने आगे डिटेल में देखेंगे कि जैसे ही अभी हमने बात की थी कि रथ चक्र के 14वें दिन ग्राफिन फोलिकल फट जाता है, तो फटते ही क्या होता है कि जो सेकेंडरी ओसाइट है या हुआ वो अंडाशय से बाहर आकर के
अंडवाहिनी में चला जाता है, इस घटना को हम अंडोसरक कहते हैं। अंडोसरक के बाद में जो ग्राफीन फोलिकल की जो फोलिकुलर सेल्स होती हैं वो एक ल्यूटिन, उन जो फटी हुई सेल्स होती हैं उनके अंदर एक ल्यूटिन नामक वसीय पदार्थ जमा होने लगता है जो कि पीले रंग का होता है। तो उन छोटी छोटी कणिकाएं को या उन छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स जो कि इन फटी हुई सेल्स के अंदर जमा होने लगती है उनको हम ल्यूटीन कहते हैं, और उन ल्यूटीन के जमा होने के बाद में जो संरचना बनती है अंडाशय में उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। यानी कार्पस ल्यूटियम ग्राफीन फोलिकल के फटने के बाद बनने वाली संरचना है। और क्यों? क्योंकि जो फटी हुई सेल्स हैं उनमें ल्यूटीन नामक छोटी छोटी कणिकाएँ पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब देखिएगा, कार्पस ल्यूटियम में एक इम्पोर्टेंट एक साइक्लिक ग्लैंड के रूप में मैंने इसका पहले जिक्र किया था, और ये जो कार्पस ल्यूटियम होती है इसके द्वारा भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है, क्योंकि यदि कार्पस ल्यूटियम 9 महीने बनी रहती है इन ह्यूमन फीमेल की यदि हम बात करें, तो जो यूं कहते हैं हम प्राइमेट की बात करें तो प्राइमेट के अंदर यदि ये कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो गर्भावस्था 9 महीने बनी रहेगी। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 9 महीने होती है गर्भावस्था, तो बनी रहेगी। और यदि कार्पस ल्यूटियम अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, तो जो गर्भावस्था है वो नष्ट होकर के उसको हम कहते हैं गर्भपात हो जाता है। और कार्पस ल्यूटियम को बने रहने के लिए एडिनोएपिफाइसिस का ल्यूटोट्रोपिक या प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन जो है वो प्रेरित करता है, यानी इसका एक काम है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काम है इसका, ये जो हार्मोन है ये जो हमारी ब्रेस्ट सेल्स होती हैं में मिल्क सिंथेसिस को प्रेरित करता है, मिल्क सिंथेसिस को प्रेरित करता है। यानी कि हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद में बच्चा जैसे ही माता के ब्रेस्ट को सक करता है, चूसता है, तो उस दौरान उसके मुंह में दुग्ध का स्त्रावण शुरू होता है। तो दुग्ध का स्त्रावण तो ऑक्सीटोसिन करता है, परंतु दुग्ध का जो ब्रेस्ट सेल के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, जो सिंथेसिस हो रहा है, वो कौन से हार्मोन के कारण हो रहा है? इस ल्यूटोट्रोपिक या प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन के कारण हो रहा है। तो ये भी इसका एक मुख्य कार्य है। उसके अलावा जो है पक्षियों में घोंसला निर्माण, पक्षियों में नीड फॉर्मेशन या घोंसला निर्माण जो होता है निर्माण, वो में सहायक हार्मोन। अब पक्षियों में जो नर और मादा के द्वारा घोंसला बनाया जाता है और जिसमें मादा का योगदान ज़्यादा रहता है, वो प्रेरणा आने का कारण भी पक्षियों में क्या है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है। उसके अलावा देखिएगा, कुछ जंतुओं के अंदर पैतृक संरक्षण पाया जाता है। अब पैतृक संरक्षण जो पाया जाता है वो पैतृक संरक्षण होने का कारण भी कौन सा हार्मोन है? ये प्रोलैक्टिन, यानी जंतुओं में पैतृक संरक्षण का गुण विकसित करता है। जंतुओं में पैरेंटल केयर जिसको हम कहते हैं, पैतृक संरक्षण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। अब प्रेरित करता है और प्रेरित करके जो है वो पैतृक संरक्षण का पैतृक संरक्षण को प्रेरित करने वाला हार्मोन। और पैतृक संरक्षण क्या होता है कि जो मम्मी पापा है या मेल फीमेल है उसके द्वारा बच्चे की देखरेख की जाती है उसको हम पैतृक संरक्षण कहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर यदि हम बात करें जो कबूतर होता है, कबूतर के अंदर क्रोप ग्लैंड को उद्दीपित करता है, कबूतर में क्रोप ग्लैंड को उद्दीपित करता है। अब क्रोप ग्लैंड जो होती है वो वैसे तो अपने जब कबूतर को पढ़ेंगे सेकेंड ईयर क्लास में तो वहाँ पर या थर्ड ईयर में बच्चे पढ़ के हैं, क्रोप ग्लैंड जो होती है वो पिजन मिल्क का स्त्राव करती है। पिजन मिल्क जो कि यूँ कह सकते हैं कि जिसको हम कपोत दुग्ध कहते हैं, कपोत दुग्ध जो है क्रोप भाग में पाए जाने वाली ग्रंथियों को द्वारा स्त्रावित होता है, उस
दुग्ध के निर्माण में या संश्लेषण में भी कबूतर के अंदर ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन या मेमोट्रोपिक हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो एडेनोहिपोफाइसिस का ये जो हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके कार्य मैंने आपको बताया अभी। अब बात करते हैं कि जो ये हार्मोन्स हैं प्रोलैक्टिन कह दो या मेमोट्रोपिक कह दो या ल्यूटोट्रोपिक कह दो, ये हार्मोन जो है इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण की यदि हम बात करें तो इसका नियंत्रण किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस जो है वो दो तरह के हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। अब क्या होगा कि जब हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझें इस तरह से, हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन अगर स्त्रावित होता है और एक होगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ये हार्मोन यदि स्त्रावित होता है तो एडेनोहाइपोफाइसिस फाइसिस प्रोलैक्टिन का स्त्राव करती है जिससे दुग्ध संश्लेषण होता है। दुग्ध संश्लेषण होता है, वैसे तो दुग्ध संश्लेषण करना तो इसका मुख्य कार्य है, उसके अलावा और जो मैंने बताए हैं ये भी मुख्य कार्य है कि ये पक्षी में घोंसला निर्माण करता है, पैतृक संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, कबूतर में क्रोक लैंड को उद्दीपित करता है, उसके अलावा कार्पस लिम्फियम को बने रहने के लिए प्रेरित करता है, परंतु मुख्य कार्य क्या है इसका, ब्रेस्ट सेल में मिल्क सिंथेसिस को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। तो हाइपोथैलेमस का प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन यदि स्त्रावित होगा तो एडेनोहाइपोफाइसिस क्या करती है, प्रोलैक्टिन का स्त्राव करेगी, प्रोलैक्टिन जो है वो ब्रेस्ट सेल के पास आकर के ब्रेस्ट सेल में ब्रेस्ट ग्लैंड कह दें अपनी की बात है, ब्रेस्ट ग्लैंड में जो है दुग्ध संश्लेषण को प्रेरित करता है। और यदि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन बनता है तो एडेनोहाइपोफाइसिस जो है हाइपोफाइसिस जो है उसके द्वारा प्रोलैक्टिन नहीं बनता है, नहीं बनेगा तो दुग्ध का संश्लेषण नहीं होगा, दुग्ध का संश्लेषण नहीं होता है, नहीं होता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स ये इस तरह से इसका क्या होता है, कंट्रोल होता है किसका, प्रोलैक्टिन का। अब यदि हम बात करें जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो भी जो है मोचन की क्रिया को उद्दीपित करते हैं, यानी कि जो इनहिबिटरी जो हार्मोन है, यूँ कहते हैं कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो अंडाशय के अंदर बनते हैं ये दोनों हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन जो है ये भी प्रोलैक्टिन के संदमन के लिए जिम्मेदार, यूँ कहते हैं कि उसको प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन और वह प्रोजेस्टेरोन ये भी क्या करते हैं, रिलीज करने में सहायक होते हैं। यानी ये हार्मोन भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि अंडाशय के द्वारा स्त्रावित होते हैं, ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन के साथ मिलकर के एडेनोहाइपोफाइसिस से प्रोलैक्टिन के स्त्राव को प्रेरित करने वाले हार्मोन है। तो इन दोनों हार्मोन का कहीं ना कहीं प्रोलैक्टिन के बनने में क्या होता है, सहायता होती है या सहायता मिलती है। तो स्टूडेंट्स आज अपनी जो है ये हार्मोन देखा है एडेनोहाइपोफाइसिस का लिटोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन, और साथ में हमने थोड़ा बहुत जो गोनेडोट्रोपिक वो हमने विद डायग्राम देखा था। तो आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।